इस वक्त मैं हूँ यूपी की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, यानी scholarship.up.gov.in। आज इस वीडियो में आपको आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। आज जो मैं वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा वो प्री मैट्रिक यानी 9th और 10th की स्कॉलरशिप का है। तो चलिए जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ लिखा रहता है आई एम जाति प्रामिक प्रमाणीकरण हेतु, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र है आपका, उसका आवेदन फॉर्म संख्या लिखना है। तो जल्दी से मैं अपना आवेदन फॉर्म संख्या लिख देता हूँ। देन आपको अपना आय प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर लिखना है। जैसे आप ये दोनों चीज लिख देंगे और नीचे आपको कैप्चा कोड लिखना होगा। देन आपको क्लिक करना है गेट डेटा। यहाँ पे देखिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अगर आपको लगता है वो आपका है तो वेरीफाई इनकम डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा कि आ जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र मिलान सफल। अब आपको ऐसे ही अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लिख देना है। तो जल्दी से मैं अपना जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र संख्या दोनों लिख देता हूँ। देन कैप्चा कोड लिखूंगा। जैसे ही मैं कैप्चा कोड लिख दूंगा देन मुझे गेट डेटा पर क्लिक करना होगा। तो जल्दी से ये मैं करके आपको दिखाता हूँ। गेट डेटा करेंगे तो यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा। अब आपको क्लिक कर देना है वेरीफाई कास्ट डिटेल्स। इसके ही साथ आपका जो इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन है वो सफल हो जाएगा। करता हूँ कि आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कह के नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।